के साथ शेयर किया है, आज इसको मैं यूज कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आज मैं आपके साथ जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ ये दो दिन का कंबाइंड है। ये की थी मैंने फैमिली दावत जिसमें मैंने बनाई थी हैदराबादी बिरयानी। बस जस्ट अचानक से मेहमानों ने कहा कि हम आ रहे हैं, भाभी आई थी और मेरी सिस्टर आई थी छोटी हैदराबाद से, उन्होंने रास्ते से ही मुझे फ़ोन किया कि हम लोग आ रहे हैं। तो मैंने जल्दी जल्दी से बस बिरयानी बनाई, इसकी रिकॉर्डिंग नहीं की क्योंकि ऑलरेडी इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है हैदराबादी बिरयानी की। मैंने पहले बनाई थी घर में बैंगन की सब्ज़ी और रोटियां, फिर मैंने फटाफट बना ली हैदराबादी बिरयानी। आज का व्लॉग बहुत ही मज़े का होने वाला है, एक बहुत ही मज़ेदार रेस्टोरेंट स्टाइल से हटके मैं कम इन्ग्रीडियंट्स पर आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ, कढ़ाई की, चिकन कढ़ाई की, जो बहुत ही लजीज है। और जनाब इज़ान अब्बास की लाइफ में एक टर्निंग मोड आ रहा है, वो किसी बड़े चैनल पे ऑडिशन देने जा रहा है। तो हाय इज़ान, आप कैसे हैं, एक्साइटेड हैं जाने के लिए? काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम ऑडिशन है भूल के अंदर। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। यही काफी बड़ी बात है कि ऑनलाइन पे ही इतने सारे लोगों के बाद भी मेरी सिलेक्शन हो गई। तो अभी मैं मम्मी चलता हूँ, देर हो रही, अब्बू भी बुला रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, तो अम्मी की फ़ोन पड़ी है घर पे, मैं अब्बू की फ़ोन के साथ व्लॉग कर रहा हूँ और अभी फ़िलहाल हम आए बोल के अंदर और मतलब जैनुल आबदीन के साथ भी मैंने सब मिला हूँ और पूरा मेरा ऑडिशन शूट हुआ है। इंशाल्लाह बस मैं बस मुझे ये लोग रख लें तो शायद मैं, ये देख सकते हैं बोल बोल स्टूडियो है ये, तो अभी हम ऑडिशन देके आ चुके हैं। ऑडिशन की कुछ वीडियो भी है वो मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। तो ये हैं इज़ान की ऑडिशन की क्लिप। इज़ान ने कहा कि मम्मा मैं थोड़े थोड़े से व्लॉग की क्लिप्स बना के लेकर आया हूँ ताकि हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ आप मेरी जर्नी शेयर करें, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपनी फैमिली के साथ शेयर करना। तो मैं हूँ बोल स्टूडियो के पास और ये बोल का बड़ा वाला बाहर लगा हुआ लोगो देख सकते हैं। तो बस अभी घर चलते हैं फटाफट से। ये वाला नया पेन है जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, आज इसको मैं यूज कर रही हूँ। तो जी मैं मसाले बताना भूल गई, एक टीस्पून मैंने सफेद जीरा लिया, एक टीस्पून मैंने सौंफ ली, एक टीस्पून मैंने काली मिर्ची ली, एक टीस्पून मैंने धनिया पाउडर धनिया साबुत लिए और दो से तीन मैंने कश्मीरी लाल मिर्ची ली। थोड़ा सा ये इतनी मजे की कढ़ाई बनेगी ना, बहुत ही डिफरेंट इसका जायका फ्लेवर। अब इसमें मैं ये जीरा और लाल मिर्ची शामिल कर लूंगी। ये अब अच्छी तरह से क्रैकल हो चुके हैं तो हम जनाब इसमें शामिल कर देंगे। ये मैंने दो मीडियम साइज के प्याज चॉप किए थे, इनको हम अच्छी तरह से भून देते हैं, इनका कलर चेंज हो जाए, जब तक ये ट्रांसपेरेंट हो जाए तब तक हम इनको भूनेंगे, ब्राउन नहीं करने, जस्ट इनको ट्रांसपेरेंट होने तक पकाना है। अब जी प्याज हमारे अच्छी तरह से ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन। ये मैंने दरदरा सा कूट लिया है, आप चाहे तो इसमें पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से भुन चुका है, अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन। चिकन मैंने लिया है बोन के साथ 1 kg, क्योंकि कढ़ाई बोन के साथ बहुत मज़े की बनती है। इसे मिक्स करके भूनेंगे, हाई फ्लेम पे इनको अच्छी तरह से हमें भूनना है 5-10 मिनट के लिए। जब तक ये हमारा चिकन भूनता है हम मसाले को ग्राइंड कर लेते हैं। जी मसाला मैंने भून लिया, तैयार हो गया, अब ये हमारा चिकन भून रहा है। इस टाइम पे हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्ची
हाफ टी स्पून हल्दी, और 1 टीस्पून नमक। आगे मसाले आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब इसमें मैं शामिल करूँगी, अब जी इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून धनिया। अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से भून लेते हैं। टमाटर हम इसमें इसकी अच्छी तरह भून जाने के, चिकन के भून जाने के बाद में ऐड करेंगे, क्योंकि टमाटर काफ़ी पानी रिलीज़ करते हैं, उससे इस कढ़ाई का कच्चापन चिकन का नहीं जाता। ये बहुत ही डिफरेंट और मज़े की कढ़ाई है, आप इसको बनाएंगे बहुत मज़ा आएगा। अब ये अच्छी तरह से भून रहा है, इस तरफ मैं बाकी की तैयारी कर दूँगी। थोड़ा सा हम कुकिंग ऑयल लेंगे, 1 टीस्पून। अब ये प्याज और शिमला मिर्चे हैं, इनको मैंने जस्ट सॉटे करना है। इसमें दायरा बांध रही है, पहले हम प्याज को कर लेंगे, ये थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाए। प्याज हमारे अच्छी तरह हो गई, अब इसमें हम शामिल कर देंगे शिमला मिर्च। मैंने 1 शिमला मिर्च ली है, आप चाहें हर चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, डबल कर सकते हैं अपने जायके के हिसाब से, फैमिली के हिसाब से। ये अच्छी तरह से भून रहा है, ऑलमोस्ट हाफ डन हो चुका है। ये जो हमने मसाला पीस लिया था, ये अब हाफ इसमें हम शामिल कर लेंगे, बचा लेंगे आखिर में इसमें शामिल कर लेंगे। ये इस तरह से सॉटे हो गए हैं, इसका मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब बेसिकली ये स्टेप मुझे तड़का बनाने से पहले करना था उसी सेम पतीले में, पर मैं भूल गई तो मैंने इस तरफ रख लिया। बिस्मिल्लाह, ये देखो हमारा मसाला कितना मज़े से भून चुका है। आहा, क्या खुशबू आ रही है। अभी मेरा दिल कर रहा है मैं इस कढ़ाई को खाऊं। तो जी ये अच्छी तरह से भून चुका है, डन हो चुका है। अब हम इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को ग्राइंड कर लिया है। अगर आपके पास प्योरी अवेलेबल हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। आपको पता है कि कढ़ाई में तो टमाटर बहुत जाते हैं, मगर ये कुछ हटके है, डिफरेंट स्टाइल की है, तो इसमें कम ही मैंने 2 सिर्फ मीडियम साइज़ के टमाटर डाले। जब तक ये टमाटर का पानी ड्राई होता है तब तक हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से लो मीडियम फ्लेम पे। कवर करके मैं थोड़े 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देती हूँ। अब ये अच्छी तरह से हमारा चिकन भुन चुका है, तो अब हम इसमें ये काजू का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। 10-12 काजू हमने लिए हैं, उनको ग्राइंड करके उनका पेस्ट बना लिया। ये शामिल कर देंगे, ये जो हमारा लेफ्ट ओवर मसाला था ये इसमें एंड में हम शामिल, थोड़ी सी कसूरी मेथी, अब हम इसका फ्लेम ऑफ करके लो मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ये मैं इधर रोटियां पका रही हूँ, चपातियां, और ये इधर इस तरफ हमारी कढ़ाई हो गई है डन। आहा, क्या मजेदार सी कढ़ाई बनी है। तो जी कितनी मजेदार सी हमारी चिकन कढ़ाई बनके तैयार है, न्यू स्टाइल में, रेस्टोरेंट से भी हटके। मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है आप इसको बनाएं और
मुझे आप दुआएं देंगे इसको बना के कि इतनी इजी कम मसालों में बनने वाली कढ़ाई फर्स्ट टाइम आप खा रहे हैं। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये आप लोगों की तरफ से मोटिवेशन होता है हम यूट्यूबर्स के लिए। हम बहुत, आपको तो लगता है हमारी ये 5-10 मिनट की वीडियो है, इसके पीछे हमारे बहुत से एफर्ट्स होते हैं, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। इसी के साथ मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।